हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज करने जा रहे हैं बीबी के वाइंस के वीडियो पे रिएक्ट। तो दीदी चले शुरू करें। चलो शुरू करें। चलो भाई, कैसे सर? बढ़िया है सर। खाना खा लिया जी? और वो जो बनियान सूखने डाली थी, सूख गई? बनियान कहाँ डाली सूखने? नाना छेद वाली बनियान। नहीं नहीं, छेद मेरे कच्चे। लेकिन आपको कैसे पता? दाढ़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। छू के बताना जब वक्त मिले। अरे नेकी और मूछ मूछ तेरी। अरे क्या कर रहे हैं आप? आप ही ने तो बोला कि दाढ़ी छू के बताइए। अरे फोन पे हूँ, फोन पे। सर सर सर, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे वो दिखाई नहीं, ये दूसरा झुमका आ गया। मेरा कुत्ता निकल गया। आपके पास कुत्ता है? घर पे कुत्ता काफी नहीं था, बच्चों ने कहा एक और चाहिए। ओ, कुछ भी खा जाता है। ये वाले कान का ईयरफोन निकल गया, अब डेली बैठ के उसके हगने का इंतजार करता हूँ। वो इंस्टाग्राम पे रीले बनवाइए, उससे रोज हगेगा। एक हफ्ते पहले मेरी बीवी की गिफ्ट की हुई चकाचक व्हाइट शर्ट खा गया। उसके बाद से धीरे धीरे एक दो बटन हगे जा रहा है, परसों जाके कॉलर हगाए। ओहो, फिर तो वो शर्ट कोई काम की नहीं होगी। पहनी तो हुई है, नहीं पहनता तो बुरा मान जाती। सफेद शर्ट थी सर, आपने अभी बोला, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है। अरे टट्टी का रंग मिक्स हो गया है। आओ आओ आओ, बताओ। आ गया, बोलो कोई। अरे अरे जल्दी बोलो, 25 मिलियन लोग वेट कर रहे हैं। क्या चाय पत्ती नहीं है कैंटीन में? परसों स्कूल में पानी नहीं था, टीचर अपनी थूक से काम चला रहे थे। नमस्ते सर। आओ 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 आओ, अच्छा पिताजी पहले आ गए, बेटा बाद में आ रहा है। यही तो कुदरत का नियम है। मिफ्फ का दिलाया मिफ्तर पे, 2 महीने बाद बिस्तर पे। मिफ्तर हिलाएंगे पिताजी, तभी तो होंगे बेटा जी। अरे क्या मिस्तर बिस्तर लगा रखा है? कुछ कंठ गीला करने के लिए है? किसको कंठ गीला करना है? अरे कंठ ठट ठट। तुम जाओ स्कूल से बाहर वाली जो टपरी है वहां से चाय लेके आओ, और बोलना सर ने मंगवाई है। मेरा नाम नंद किशोर, बताओ। रोज मिलता है, मेरा नाम ही नहीं पता, बबली नाम है मेरा। और तुम यहाँ कैसे? बंदर का नाच नहीं चल रहा है इधर? क्यों आप डांस नहीं कर रहे? सर वो घर आया हुआ था कुछ लेने, तो मैंने बोला साथ चल ले। वाह, सुबह सुबह क्या लेने आए थे? एक सेकंड, ये क्या? ये आपकी नाक मेरे काम में अड़ी हुई मिली। सर वो कैरम की गोटियां लेने आया था। अच्छा, रख ली थी गोटियां? हाँ अंकल, सफेद वाली मिल गई थी। और काली गोटियां कहाँ हैं? मेरी पैंट में। अरे सर, आपको नए साल की बहुत बधाई। किस बात की? नए साल की। हाँ तो बधाई किस बात की? कैलेंडर का पन्ना पलटा है बस, किस्मत वही है फुद्दू। जो दिन रात मास्टर वेट करते हैं, वही किस्मत बदलने का वेट करते हैं। हाँ भाई, तुम आगे का क्या सोचा है? क्या करना है करियर का? मेरा प्लान थोड़ा अलग है, हटके है। अच्छा, कितना हटके है? रेगिस्तान में ऊँटों के दांत मांझ रहे हैं या बुड्ढों के पोते सुलाने? नहीं, बंदर के गोटे खुजाने? नहीं सर। फिर बकवास बातों में पीएचडी करनी है, छिछली हरकतों में डिप्लोमा? नहीं नहीं, इसको नेता नहीं बनना, तू खुल के बनना। सर एक्टर एक्टर बनना है? तो इटैलिक्स में क्यों बात कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। और ये ख्याल कैसे आया? मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? पूरा दिन इनके हाथ में हथियार होता है। तू खुलेआम हिलाने लगा है क्या? फोन की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड देखते रहते हैं। देश में क्या ट्रेंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड मुंह जबानी याद है। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रहा था, नो नट नवंबर। नो नट नवंबर, सुना सुना क्या होता है? अक्टूबर की आखिरी रात को रंग दो बमाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। ये भविष्य है हमारे बच्चों का। ये पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम घंटों के हिसाब से है। अरे हमारे जमाने में हम बाहर जाके खेलकूद करते थे, एक्टिविटीज करते थे, लेकिन ये इन्हें रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। अभी परसों एक बच्चा क्लास में डस्टर पे फोन टिका के, हाँ मैं बाजीगर, मैंने गर्दन पकड़ी, बोला पहले होमवर्क कर। और तो और टीचरें लगी हुई है स्टाफ रूम में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अरे बहन वहां क्लास में बच्चे बुला रहे, वहां जा। सर मैं रील्स देखता हूँ, लेकिन एक्टिंग और गिटार प्रैक्टिसिंग की? अरे मैं दिन में 1 घंटा बांसुरी बजाता था। किसकी? अपने खुद की। फ्लेक्सिबल है। अरे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। अरे ये सब छोड़िए, तू सर को बताना तुझे नशा का कितना शौक है। नशा लग गई लत? क्या फूकते हो? चरस, गांजा, डाइल्यूटर, वाइटनर, फिनेल, पेट्रोल, डीजल। तमीज से बात करना मेरे बेटे के बारे में। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? अरे नशा जो अंतरिक्ष में जाते हैं। नासा। नासा, इसको छोटे छेद का बहुत शौक है। मुझे भी। अच्छा ओजोन लेयर की बातें कर रहे हैं?
अरे सर इसको बहुत शौक है अंतरिक्ष का, इसके लैपटॉप में देखा है मैंने वो जो फोल्डर है ग्लोरी होल और ब्लैक होल नाम का। ऐसा कुछ नहीं है, गलत पढ़ा आपने। अरे ऐसे कैसे गलत पढ़ा, मुझे अच्छे से याद है फेमस गजल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है फिशिंग नाम का, मछुआरों पे रिसर्च कर रहा है बेटा, फिशिंग होता है, स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लियो ठीक है। और तो और ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन सकता है, वर्ल्ड कप हारने के गम में हमारी टीम की पावर प्ले बैटिंग पे रिसर्च कर डाली, वो क्या है फोल्डर का नाम, हाँ कम शॉट। कैसी बैगी बैगी बातें कर रहे हो यार, पता नहीं किसका लैपटॉप देख लिया, साइबर कैफे नहीं चलाता मैं, तेरी मां तू और मैं, हम तीन लोग रहते हैं घर में, किसका होगा लैपटॉप। आप दो मिनट रुकिए। हाँ भाई तुम बताओ क्यों बनना है एक्टर। सर मैं हमेशा से खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। हाँ तो एक बड़ा पर्दा खरीद लो, टांग दो दीवार पे, उस पर अपना फोटो चिपकाओ, निहारते रहो खुद को। नहीं नहीं मतलब खुद को टीवी पे देखना चाहता था। हाँ ये चल रहा है आजकल देश में, बकवास बातें कर लो बेटा, अपने आप आ जाओगे टीवी पे। फिर आप क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, टीवी पे आना नहीं, आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आनंद के घर वाले मान जाएंगे? मान के क्यों नहीं रखते घर पे? और सर मुझे लगता है मैं फाड़ दूंगा पर्दा। नहीं नहीं एक्टिंग। और कोई वजह एक्टिंग की? पापराजी, मैं तो राजी हूँ बेटा। नहीं पापराजी जो फोटो लेते हैं। हाँ हाँ देखा है मैंने पापराजी का इंटरनेट पे, ये लोग वही है ना जो औरतों को पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और पूछते हैं पहचान कौन। अरे QR कोड थोड़ी लगाए वहाँ, सत्यानाश कर रखा है, फेस दिखाओ ना बेस। वैसे वो लोग भी भली भांति जानते हैं कि लोग देखना खुली छाती चाहते हैं, पूरी दोपहर एक ही वीडियो डालते हैं, कौन जिम जा रही है कौन जिम से आ रही है। दोपहर को कौन जिम जाता है? मल्ला मल्ला। वाह बिदकना जरूरी है लेकिन खबर पूरी है। मैंने सुना है वहाँ ड्रग्स भी लेते हैं, माया जाल है बेटा वो। हाँ बुरी आदत है और लवड़े बता के नहीं लगते। सर अब जो करते हैं वो तो करते ही है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट अब ना शूटिंग सेट पे प्लास्टिक यूज नहीं होता क्योंकि सारा मुंह पे यूज होता है बेटा। और आपको पता है वहाँ पे वो भी होता है, वो कास्टिंग काउच, मतलब आगे से न्योता आता है पीछे से है जी। फर्ज कीजिए मैं कास्टिंग वाला हूँ, आप एक्टर हैं, पूछिए। सर मुझे अपनी फिल्म में रोल देंगे? पहले लेंगे क्या? अरे छोड़िए, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए और बदले में सब्जी वाले ने आपका गाजर मांग लिया। अगर मेरे पास गाजर ही नहीं हुआ तो? अरे आप समझ नहीं रहे वहां पे सेक्सुअल फ्लेवर मांगते हैं। कौन सा फ्लेवर? काला काला भाई साहब ने को कहेंगे इसको है? समझ ही नहीं रहे आप? हाँ जी हैं, क्यों हूँ मैं? अरे इतने भोले मत बनिए, दुनिया कच्चा निकल लेगी आपको। सर मैं अपने टैलेंट के दम पे घुसूंगा, देखिए। Oh, no. नहीं इंडस्ट्री में। हाँ हाँ बता सर को, सर को बता। एक सीरीज में छोटा सा रोल मिला। कौन सी सीरीज? ताजा खबर, अभी 6 जनवरी को आने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। सीरियस हो? सर मेरी कोई बैकिंग नहीं है लेकिन पैशन में भी लैकिंग नहीं है। वाह अभी से ही डायलॉग बाजी शुरू है, लेकिन कुछ काम करो तो ऐसा करना मन लगा के, बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनना। अभी कौन सी फिल्म आ रही है इरफान? पठान। हाँ 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 काम करो, पैसा करो, देखो कितनी बातचीत है। सर उनको 30 साल हो गए। हाँ तो मुझे भी 31 साल हो गए। हाँ क्या उखाड़ लिया इन्होंने? बहुत कुछ उखाड़ा है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अपने स्कूल में रोज ड्रामा करता था मैं। उसको रंडी रोना कहते हैं। अरे थिएटर का हिस्सा था, पचीनो बुलाते थे मुझे। हाजमे की गोली, एल पचीनो एक्टर है मतलब। और सर आप थिएटर करते थे? मेंटर था। कौन से अस्पताल में? अरे मेंटल नहीं मेंटर, सिखाता था, अब छोड़ दिया है। तो फिर कुछ करके बताइए ना सर। ये पकड़ो फोन और तुम एक्सप्रेशन देखना, सीखने की कोशिश करना, आप ही देखिएगा। अगर इतना ही आता है तो फुल टाइम एक्टिंग क्यों नहीं करी? शादी जब से हुई है कुछ नहीं कर पाता ना, अपने मन का टीवी देख पाता हूँ ना, खा पाता हूँ ना पी पाता हूँ, आप तो समझ सकते हैं। मतलब मेरा ही दही खट्टा है, रोज उठो घर पे बच्चे संभालो, फिर यहाँ बच्चे संभालो, यहाँ रहो प्रिंसिपल की किटकिट, घर जाओ वहां उसकी किटकिट। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है संडे की, उसमें भी 2-3 मेट्रो बदल के 55 किलोमीटर दूर जाओ अपने सास ससुर से मिलने के लिए। मैंने उनको बोला 2 हफ्ते के लिए आप इधर आ जाइए, कहते नहीं हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। अरे 8-8 औलादे करेंगे तो जोड़ों में क्या दर्द तो रहेगा ही। फिर जब सोचता हूँ कि आज का दिन आराम करूंगा तो घर के सारे नलके लीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर बीवी कहती है प्लम्बर बुला लो, अब वो महानुभव आएगा तो मुझसे पूछेगा पाना है पक्कड़ है, अरे ये सब मेरे पास होता तो आपकी क्या जरूरत थी भैया। आपको पता है मैं रात में फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसे देख रहा था जैसे ब्लू फिल्म हो, चुप चुप के, क्योंकि टीवी नहीं चला सकते कमरे में, बीवी की आंखों पे रोशनी पड़ती है, नींद टूट जाती है। और जब मैं सो रहा होता हूँ तो ऐसे दरवाजे खुलते हैं जैसे CID की दया हो। ठंड में टॉयलेट में जाके मैच देख रहा था, कमोड इतना ठंडा चूतड़ सुन पड़ गए। 3 महीने पहले बीवी कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तो मैंने कहा चलो चलते हैं शिमला ले गया। अभी 1 हफ्ते पहले फिर कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते, अरे मैं ट्रैवल एजेंट हूँ क्या, इतना धरती नहीं घूमती जितना वो घूमना चाहती है। पूरा दिन वो ट्रैवल ब्लॉग देखती रहती है, अब उसको थाईलैंड में वहां जाना है, कौन सी जगह है ओ भाई। आंटी को सुनाई नहीं दिया, रोड पे बोलो
पीपी आइलैंड। आपकी वाइफ का वीडियो कॉल आ रहा था तो मुझे लगा उनको आपकी एक्टिंग दिखा देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा वादा आगे निकल गए। चलो पापा चलते हैं, चलते हैं, हाँ, चलते हैं, चलते हैं। सर ताजा खबर आई कि 6 जनवरी को देख लीजिएगा, हाँ, कमोड़ पे बैठ के। हेलो जान, तुम्हारी जान मैं निकालती हूँ, मैं किट किट करती हूँ। अरे नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बच्चों को दिखा रहा था। शादी के बाद सिर्फ शिमला का वीजा लगवा रखा है और बोलता है कितना घुमाऊं, तू घर आ। उनको बोलो नई फिल्म आई है देखने जाएंगे। नई फिल्म लगी है, नई फिल्म लगी है देखने जाएंगे। हाँ कौन सी है, कौन सी है? उतार के जॉकी, उतार के जॉकी, डाल दो लौकी, डाल दो लौकी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और वीडियो सब्सक्राइब करें।